इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। इधर उधर की बातें कौन सी होती है? बैठे हैं, ये ऐसे करता है। साउंड दीदी थोड़ा क्लियर कर। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सब इधर उधर की बातें। ये संस्कार होता है, ये जरूरत नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये फोकस, ये भी बहुत एनर्जी, आत्मा की शक्ति तो कम होती है लेकिन कर्म का खाता भी बढ़ता जाता है। तो इस पर फोकस किया। हम बाबा के शब्दों में सुनते हैं, 13:9 की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से बनना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? आत्मा समझेंगे। और रूहानी प्यार, उसका पहले तो प्यार न होने का कारण क्या है? वैसे रूहानी प्यार होता क्या है? केवल स्वीटी बनना होता है, ऐसा। खामियां नहीं देखना, अब खामी है, अलर्ट नहीं करे किसी को, दिखाई दे रहा है कि ये मिस्टेक है तो भी अलर्ट तो करना होता है। तो बाबा ने, तो इसलिए रूहानी प्यार भी हो, स्नेह भी हो और ये शुभ भावना भी हो। तो देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदाई बनते तब आपस में प्यार रहता है। एक तो देह अभिमान के कारण खामियां देखते हैं तब प्यार चला जाता है, और दूसरा खुद की खामी निकालने का फुरना रहता है, सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे जास्ती गुण किसमें? एक बाप में है। बाप से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। तो एक तो खामियां नहीं देखना और गुणग्राही बनना। चलो ये खामी है पर इसमें ये गुण भी है, तो जो गुण है उसको ग्रहण करना, लेकिन जो खामी है उसका वर्णन और चिंतन नहीं करना है, लेकिन कंसर्न्ड अथॉरिटी को दे देना, और वो एक बार कि भाई ऐसा है, और फिर उसका, जैसे कल भी बताया ना कि अगर दूसरी बार कह रहे हैं बाप, ब्रह्मा बाबा को एक बार कहते, दूसरी बार कहते तो बाबा कहते तो आदत है इसकी, बोलने वाले की आदत होती है। तो कभी कभी हमारी आदत भी बन जाती है क्योंकि देखते रहते हैं, जितना देखेंगे उतना बताएंगे, तो ये भी एक प्यार कम होने का रीजन हो जाता है। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ये मालूम है कि बेहद का बाप हमको सत्व प्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्यार प्रेम चाहिए, तुम्हारा था तो बरोबर अब नहीं है,
मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती, तो बेहद का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। बच्चे आजकल आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाप ने समझाया है, तुम ये लक्ष्मी नारायण थी, ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। और तुम कैसे नीचे उतरते आए उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है, वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सत्व प्रधान थे, आपस में बहुत लव था। बहुत लव था मतलब कैसे था? दुनिया में कहते मैं बहुत अटैच्ड, ये चल रहा है। फिर चाहे वही तो विनोद चल नहीं अटैच्ड, उसको कहेंगे बहुत प्यार है, नहीं कंफर्म्ड सबका। मैं मेरी मतलब वही कई रिलेशंस होते, मैं मेरी इससे बहुत अटैच्ड हूँ इससे, बाबा कहते। लेकिन आज बाबा कहते बहुत रूहानी प्यार होना चाहिए। अटैच्ड और प्यार में फर्क होता है ना? हाँ वही ना, इसीलिए तो कहते। तो रूहानी प्यार उस आत्मा के लिए जो राइट है वो उस अनुसार सोचना, उस आत्मा के हित के लिए। तो और भी बाबा डेफिनेशन बताता जाएगा। तो ऐसा तुमको किसने बनाया? बाप ने। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। आवाज बहुत स्लो है दीदी। तुम बाप ने भाइयों को शिक्षा दिए, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका बाप हूं ना, तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो जितना जितना हम सत्तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सत्व प्रधान थे, किसको लो आ रही है आवाज? सभी को सुनाई दे रही है? मैं तुम सबका बाप हूं, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सत्व प्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम सत्व तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते रहेंगे। हम सत्व प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है, हम वहां के निवासी थे। फिर नीचे उतरते आए हैं, पहली तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर शुरू आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार ही नहीं है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्माभिमानी थे। अच्छा कोई कंटिन्यू ही करता रहे मिस्टेक, फिर क्या करे? अब कहते एक दो की खामी निकालना ना आप, लेकिन एक होता है समझना, कंसर्न अथॉरिटी को बताना। अच्छा उसने टाइम दिया चेंज करो, नहीं होता है फिर बेशक उसको बता सकते हैं, लेकिन आपस में चिंतन करना। वो सबको पता है कौन कंसर्न्ड है। हाँ
फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, फिर तो हाँ फिर तो कुछ भी, वो तो संस्कार होता है, किसी का वैसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ मतलब सेंटर सिस्टम में तो होता ही है ना, प्रोटोकॉल होता है, फिर दादी एक्शन लेती है, कुछ तो लेती है। हाँ मानते भी, मानना भी पड़ता है। मतलब उसमें बाबा यही कहते हैं ना, चिंतन करना, एक्चुअली चिंतन की प्रॉब्लम है, बताने की प्रॉब्लम थोड़ी, एक बार बताना होता है उसको। चिंतन ये आदत है, चिंतन करना ये मेरा संस्कार है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं, तुम आत्मभिमानी थे तो ऐसी किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इनमें यह है, आपस में बहुत प्यार था, अब वही अवस्था धारण करनी है। या तो एक तो को उस दृष्टि से देखते, लड़ते झगड़ते हैं, अब वह सब बंद कैसे हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तमो प्रधान बने हो, तुम कैसे मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठा बनो, मीठे का चालू कर दो। तो बाबा कहते बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते आए तुम तमो प्रधान बने हो, तुम सुखदाई थे फिर दुखदाई बने हो, रावण तुम कैसे मीठे थे, अब डिस्टर्ब नहीं करो ना, रहने दो, एक बार किया बस, वो चालू करो। रावण राज्य में एक दो को दुख देने, काम कटारी चलाने लगे, सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलाते थे, ये पांच विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं, ये है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना, यह भी तुम जानते हो, राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। आजकल करते सत्यु पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो, तुम्हारी वह रूहानी खुशी गुम हो गई है, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूं तो जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा, यह भी बाप समझाते हैं। बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तभी मैं आता हूं, तुमको समझाता हूं, फिर से सतो प्रधान बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएगी, मिस्टेक्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि याद करने से आत्मा की बुद्धि स्थिर हो जाती है, और किसको देख रही है, बाबा को। तो एक तो मेरा आईना, मेरा चेहरा एकाग्र, बाबा तो है ही दर्पण, जितना जो सच्चा होता है ना वो दर्पण होता है, तो इसलिए मुझे अपनी खामियां दिखाई देगी, इसलिए दिखाई देगी क्योंकि मैं सच्चा हूं। तो बाबा इसलिए कहते, तुम जब सत्व प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, जितना याद करेंगी उतना खामियां निकलती जाएंगी। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं, जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही बाप आया है। कहते अपने को आत्मा भाई भाई समझो, एक दो से बहुत प्रेम रखो, देहाभिमान में आने से एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो, तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था,
21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था, अब बाप फिर आया हुआ है, तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से पूरा वर्षा ले गए। तुम मीठे मीठे बच्चे कहा, पहले क्या कहा, मीठे मीठे बच्चे, पहले लाडले बच्चे कहा, नहीं लाडले बच्चे कल कहा था, बच्चे तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, प्यार पर बाबा की मुरली चल, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे, अभी कुछ न कुछ है, ये सब भूल जाना चाहिए, हम सब भाई भाई है, एक बाप को याद करना है, बस यही ओना लगा हुआ है कि हम जल्दी जल्दी सत्प्रधान बन जाए, फलाना ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ। इतनी और कितने अच्छे से याद करते, क्यों याद कर सकते हैं वो बात, कई बार पहले अज्ञान काल में होता है, कभी कभी ज्ञान में भी होता है, जिसमें रूठने का संस्कार होगा ना उसको बातें बहुत याद रहेगी, नेगेटिव बातें, बस ये बात बोला, अब मैं नहीं, अब मैं आता ही नहीं, दो चार दिन एब्सेंट, तो वो क्लियर है, उसको बहुत ऐसी बातें याद रहती, और क्यों याद रहती, क्योंकि डिसाइड किया है कि मुझे ये बात भूलनी नहीं, और क्यों डिसाइड किया है, उसको बार बार हमने कह दिया ये बंद करो, बस उसको मैं बार बार वो चेहरा और वो बार बार शब्द उसको रिवाइंड करती रहती हूँ, ये नेचर ने डिसाइड किया कि मैं ये बात भूलूंगी नहीं, उठने का संस्कार। तो बाबा, और फिर वो ये वाला जो संस्कार होगा ना, उसकी डैमेज नहीं, दिन पूरे दिन वो संकल्प चलते जाएंगे, कर्म का खाता खुद का खराब, और वो इस तरह की वाइब्रेशंस, उसके कारण हलचल, उसके कारण फोकस कम, उसके अब एक हाथ इंजर हो गया तो एक हाथ पे पूरा वजन हो गया ना, फिर तो वो पार्ट, वो उसके कारण मन का इंजरी, दूसरे काम भी नहीं कर सकते, फिर वो दूसरे को बोलेगा, अब वो फिर क्या बोलेगा, एक 24 घंटे में जितने संकल्प चले ना, वो इंटेंसिटी बताएगा कि वो आत्मा है ना, कितनी रॉन्ग बोला उसने मुझे, अब वो क्या था, 24 आवर्स का जो चिंतन था ना, वो था, वो आत्मा रॉन्ग थी, उसने कहा कि बस ये बंद करो, पर ये चिंतन था, किसकी गलती थी, इसलिए बाबा कहते हैं किसी ने कुछ कहा, ये सब बातें छोड़ो, ऐसा है, इसने यह बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, अपनी डिसीजन होती है, ठीक है, अगर सपोज हमने कह दिया, मैंने कहा मुझे याद नहीं रहा, चलो मुझे, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सरलता से जीवन सरल हो जाता है, रूठने वाले का जीवन ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रहता है, बाबा इसलिए कहते हैं इन सब बातों को भूल जाओ, यह सब छोड़ो, बाप कहते अपने को आत्मा समझो, सत्व प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, दूसरे का अवगुण नहीं देखो, देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो तो कभी भी दुख नहीं होगा, भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होगी, रजो प्रधान बुद्धि होती है, अपने को देखना चाहिए कि हम कहां तक सत्व प्रधान बने हैं,
सबसे जास्ती गुण है बाप में। हम बाप के समान सब में गुण एक्सपेक्ट करते हैं, एक है बाप के समान शुभ भावना, एक है बाप के समान गुण एक्सपेक्ट करना। तो बाप कितना कहते गुणवान बनो, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। एक्चुअली शुभ भावना भी रखनी नहीं होती, उसका अवगुण चिंतन नहीं करो, यही शुभ भावना है। हम क्या पूरी दुनिया के प्रति थोड़ी शुभ भावना रखते बैठते हैं, इसके प्रति भी इसको सकाश देते नहीं, वो करते है उतना चिंतन करते नहीं। तो शुभ भावना तो ऑलरेडी है ही ना, शुभ भावना की स्टेज। तो बाप तो सदा सुखदाई है, बाप कितना गुणवान बनाते हैं, कहते तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाप तो सदा सुखदाई है, तो सदा सुख देने और सत्व प्रदान बनने का फुरना रखो और कोई बात नहीं सुनो। अच्छा, कोई ग्लानी आदि नहीं करो, धारणा ही बोलिए। अनुमान की बीमारी भी अवगुण को फैलाती है, अनुमान करते हैं शायद ऐसा है शायद ऐसा है। अनुमान भी वही करता है जिसमें विश्वास का संस्कार होता है। देखो, निश्चय बाप में करना है, विश्वास आपस में करना है। जब विश्वास का संस्कार नहीं होता है तो डाउट आता है, और डाउट आता है तो वो फैलाएगा। वो अपना डाउट बता रहा है, एक्चुअली फैलाता नहीं है। तो इसलिए अपने को दूसरा समझते कि इनमें ये खामियां है। अच्छा, कोई की ग्लानी नहीं करो, पहले बोला गुणग्राही, अब गुण नहीं देखो, खामियां नहीं देखो। अच्छा, दूसरा है, सब में खामियां जरूर है, तो एक बाप ही है जिसमें खामी नहीं है। तो अपने को तो बहुत अच्छा समझते, दूसरा खामियां भी ऐसी है जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते। ज्ञान काल में होता है, किसी ने कहा कि देखो, मतलब मैं उसके घर गया और इतना कुछ था, इस तरह से सर्व किया, इस तरह से मुझे भेज दिया, भाई गाड़ी है, मेहमान को तो अच्छी गाड़ी में भेजो, हम भी तो वैसे करते हैं, तो इस तरह से किया, तो इतना तो होना चाहिए ना एटिकेट। जैसे इंडियन सिस्टम में होता है, अपने लिए कुछ भी हो पर मेहमान जो है उसको अच्छे से करो, पर उसने तो ऐसा किया, अब इसमें किसकी गलती है? क्योंकि वो कंडीशनिंग ये करी थी ना कि मैं मेहमान हूं और मेरी ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं ऐसे करता हूं तो मेरा भी ऐसे ऐसे किया जाए। उसकी गलती थी कि या मेरी कंडीशनिंग की गलती थी? मेरी कंडीशनिंग थी कि मैंने सोचा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं। तो फिर खुद भी नहीं समझ सकते कि ये मेरी प्रॉब्लम थी, दूसरे समझते कि इनमें यह खामियां है। अपने को तो बहुत अच्छा समझते, परंतु कहां ना कहां उल्टी उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सत्व प्रधान अवस्था में वो बातें होती नहीं, यहाँ खामिया है, परंतु न समझने के कारण अपने को मियां मिट्ठू समझ लेते हैं। बाप कहते हैं, मियां मिट्ठू मालूम है ना, बहुत मीठा, मियां मिट्ठू तो मैं एक ही हूं, एक ही हुई मियां मीठा तो है। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया, इसलिए जो भी अवगुण आती है सब छोड़, अपनी नब्ज देखो। हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार से याद करता हूं, नब्ज देखो अपना, कितना खुद समझता हूं
और दूसरे को समझाता हूँ, बाबा को कितना प्यार से याद करता, बाबा ये थे ना बहुत रमज रमजू थे, किसे जाते थे बच्चे तो बाबा मतलब भूलना नहीं है, तो बाबा को पूछा कि बाबा आप याद किए, याद करते थे हमको, याद किया? बाबा ने जवाब दिया क्या था कि तुम, नहीं नहीं अभी भूल गई, भी याद आ जाएगा। वैसे बाबा से जब पूछते कि आप भी हमको याद करते हैं क्या, तो बाबा कहते थे मेरे को क्या जरूरत है जो मैं आपको याद। हाँ, बाबा ये कहते थे कि मैंने मुझे तुमको मतलब ऐसा वर्ड था कि बाप तुमने मतलब तुम्हारे याद करने से मेरा कुछ है, मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा, अभी भी याद था तो मुझे क्या पड़ी है जो मैं तुम्हें याद करूंगा, वो वर्ड नहीं आता है। चलो ड्रामा देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा ही नहीं होगा। बाप कहते तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, अब फिर बनो, श्रीमत पर चल मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं, कहते भी है कि हम पापी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर घर में आकर जाते हैं, देवताओं के आगे आ जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते तो कोई घृणा ही नहीं, जरा ख्याल भी नहीं करते, उनके सामने है तो सब कुछ है, पापी भी है, सारी नेगेटिविटी की मास्टरी है, और घर में आते तो जरा भी ख्याल नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि क्यों देवताओं के आगे, क्योंकि दर्पण है और उस समय हम एकाग्र होते हैं, वही जो स्टाइल बताया सबका पहले, और वो दर्पण भी क्यों बने, अर्पण करते थे। कई बार अवेक मुनि बाबा कहते थे जितना अर्पण करेंगे स्वयं को दर्पण बनेंगे, तो दर्पण बनेंगे तो दूसरों को अपनी खामी अपने आप दिखाएंगे। अब आप कहते बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़ना है ना, श्रीमत पर चलना है, पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामे कम याद करो, देवी गुण भी धारण करने हैं। देखो ये मुरली है, पढ़ाई है, पढ़ाई को कैजुअली नहीं लेते, और पढ़ाई मतलब ही रिपीटेशन, कई कहते हैं ना पढ़ाई में क्या करते हैं, स्टोरी रिपीट करना यूजलेस है, पढ़ाई मतलब रिपीटेशन। तो श्रीमत पर चलना है, पहले पहले बाप कहते अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामे कम याद करो, देवी गुण भी धारण करने हैं, भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से यह वर्षा लेना है यह भी बुद्धि में है, लोग उनकी स्तुति करते फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है, एक तरफ स्तुति करते, स्तुति की भी लेवल क्या है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी हाई हिंदी नहीं है, संस्कृत वर्ड यूज किए स्तुति के लिए, और दूसरी तरफ कैसे अपने को उतना ही नीचा भी तो दिखा कहते हैं, कुत्ते दूसरी तरफ उसकी ग्लानी, कहते कुत्ते बिल्ली है सब में परमात्मा है, एक तरफ स्तुति किया एक तरफ ग्लानी की, तो एक्चुअल क्या माने, ग्लानी या स्तुति? तो ग्लानी, चाहे 10-50 स्तुति कर लो, एक ग्लानी कर लो, ग्लानी मानी जाती है।
वही, परंतु वह थी तो कहते कुत्ते बिल्ली में सब परमात्मा के रूप है, जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। पर आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माँ में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जिसको तुम याद करते आए हो सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो देहधारी को याद करना किसे क्या कहेंगे, सतो प्रधान, तमो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, तमो प्रधान चेक करना होगा। देखो कितनी अच्छी रियलाइजेशन बाबा की बच्चों को, नहीं तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, नेचुरल है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, और हम लोग कितना रियलाइज करते हैं उस बात। धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। अब फिर सत्व प्रधान बनना है, वहां भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सत्व प्रधान कैसे बने, तो इस वीक का क्या है, बस यही फुरना रखो हम अव्यक्त फरिश्ता कैसे बने, ये फुरना रखो। दूसरा ये फुरना रखो मेरे और बाबा में कितना अंतर है। मैं सुन रही हूँ, अभी इस जगह बाबा होता कैसे सुनता, मैं बैठी हूँ इस जगह बाबा होता कैसे बैठता, मेरे और बाबा में कितना अंतर है। ये बहुत अच्छा मेथड है देखने का, स्वयं को देखने का। ज्ञान तो बहुत सहज है, अच्छा बैच पर भी तुम समझा सकते हो, ये बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। कभी मौका मिला किसी को बैच पर समझाने का, हाँ मिला आपको, वेरी गुड आपको, अच्छा हम लोगों की तो ड्रेस ही सेवा करती है, अगर ये ड्रेस में किया तो ड्रेस। उर्मिला बहन ने भी समझाया, वो बता रही, अच्छा उर्मिला बहुत अच्छा, बैच पर समझाने का। पर इसीलिए बैच को थोड़ा विजिबल दिखो, इनविजिबल ना हो, ये भी अच्छा। पर आप सारा दिन पहनते हो राइट बैच, है ना, ये बहुत अच्छी विशेषता है। प्रेम भाई सारा दिन कहीं भी जाते बैच पहनते, ये भी बहुत अच्छी विशेषता है। अच्छा हाँ देखो बहुत अच्छी, सारा दिन बैच पहनते कलर ड्रेस में, ये भी एक निरंकारी का है और अपने आप को पाइंट मतलब मर्यादित रखने का तरीका है। बैच पहन के हम गोलगप्पे नहीं खा सकते ना, रेस्टोरेंट में जा नहीं सकते, तो ये भी एक तरह से मर्यादा को लकीर के अंदर रहने का तरीका है। सुना, सेवा तो होती ही है लेकिन ये भी अपनी सेवा भी हो जाती है, धारणाएं पक्की होती है। हाँ सारा दिन बैच कौन पहनता है, सारा दिन ऐसे कितने हैं, एक पुराने हैं, एक ही दूसरा, दो पुराने पुराने ही है, तीन, अच्छा वंडरफुल। डेकोरेशन सारा दिन चार, भाई ज्यादा मिले फिर तो बहनों को मुश्किल होता है क्यों आराम से पहन सकते, वो मतलब चाहे अभी कवर्ड हो जाए चुन्नी मुन्नी लेकिन पहनो। तो बाबा कहते हैं एक फुल ड्रेस लगता है, बैच पहनते हैं ना तो फुल ड्रेस, कोई कोई को खामियों को देखना नहीं है, फलाना ऐसा है यह करता है, अच्छा ये
आप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती। देवताएं कैसे बने? इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती है। बाप समझाते रहते, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है। फलाना ऐसा है, कितनी बातें यह करता है, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। संकल्प करना, वही जैसे हमारा तो स्टाइल है, कंसर्न को बता दी तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं, पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते हैं। अपने को देखना है, बार बार अपने को देखना है, हम कहां तक बाप की याद में रहते हैं, कहां तक दूसरा फर्स्ट हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए किसे? लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे। बस बाप से ही चिटके रहे, ऐसा लव होना चाहिए। बाप तो वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। आप ऊंचते ऊंच हो और फिर मनुष्य सृष्टि, ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। इसको कहते हैं चिटकना। बाबा आप तो कमाल करते हो, कमाल नहीं की, नहीं की कमाल, क्या हम थे, कितनी कमाल की, चेंज ही कर दिया पूरी मेंटेलिटी। कुछ हो जाता है, हम कहते हैं हम लेट जा रहे हैं, हम कहते हैं गाड़ी लेट होगी, हम पहुंच जाएंगे। मेंटेलिटी चेंज कर दी ना, नहीं तो क्या होता था, कहीं ऐसा ना हो। कितनी मतलब 360 डिग्री हो गया। तो बाबा कमाल करना चाहिए ना बाबा। इस बार नशे में खुशी में नाचे नहीं, एनुअल डे में क्या हो गया, गीत ही नहीं बजाया होगा, गीत बजाया था भूख, बल्कि अच्छे से हो जाता। बाबा कौन सा था, बाबा आपने कमाल कर दिया। तो देखना चाहिए वहा बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। पूछते पूछ, हाँ बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाप के मिलने की भी खुशी रहती है। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कितना रहम दिल है, बल आगे भी भगवानुवाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता ही नहीं था, वो भगवानुवाच था ही नहीं, तो इसलिए लगता नहीं था। फिकर भीतर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे, भगवानुवाच राइट, और भगवान कुत्ते में है, वाच कैसे करेंगे। इतनी सारी रॉन्ग है। परशुराम अवतार कितनी बार, 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, मैंने मार दिया सारे धरती से, क्षत्रियो को मार दिया, और परशुराम अवतार, ये है भगवान का अवतार। भगवान कहते आंख भी नहीं दिखाओ, भगवान का इंप्रेशन ये है कि हाईएस्ट इन गुडनेस कॉन्शियसनेस इज गॉड, और 21 बार धरती में, तो ठिकर बितर सब में भगवान इस तरह से कैसे करेंगे, क्या इंप्रेशन बना दिया। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें जो और किसकी बुद्धि में है ही नहीं। आगे चल क्या होगा सुनो,
आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ बढ़ता जाएगा। बाप कहते सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता, इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी कह नहीं सकते। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामे कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम। वो पैगंबर है प्रोफेट मोहम्मद। बाबा कहते हैं आप बच्चे सच्चे पैगंबर हो, पैगंबर का ना, पर वो है नहीं, राइट मैसेज नहीं देते हैं ना। बाबा कहते हैं आप बच्चे हो। मेरा मैसेज मैंने आपको कहा ये और आपने कुछ और बोल दिया, तो मैसेंजर क्या हुआ? मेरा मैसेज थोड़ी दिया, बल्कि और ही गुमराह कर दिया। मतलब गुमराह भी उनको जितना समझ में आया उतना बोला, क्योंकि दूर थे ना परम धाम में, बहुत दूर थे, हम हमारे से काफी दूर थे लोकेशन में भी। जितना दिखाई दिया शिव बाबा उतना ही बताया। नजदीक वाले जो स्टेज को देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट भी तो रॉन्ग था, मतलब काफी ऐसा ही था। बाबा कहते हैं यह है बाप का पैगाम, सब जगह पैगाम लिख दो। सारा मदार इस पर है, यूरोपियन लोगों के लिए चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है, उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमर लोक, यह है नीचे मृत्यु लोक, सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं और फिर डैश आएंगे। हाँ किसने बोला? नंबर वार आएंगे, नंबर वार। और हम सभी कब आएंगे इकट्ठा? हाँ इकट्ठा कौन से? आएंगे शुरू पूरी फरिश्ता फैमिली 100। तब तो होमवर्क कराए ना, फिर पहले से डिसाइड करो कि नहीं तो लेट आएंगे। बाबा कहते हैं फिर नंबर वार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते उनको ही याद करते रहो तो भी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते, यह है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं, बाबा इनको कहते हैं, इनको क्या कहते हैं जो पढ़ा है वो नहीं पता। ब्रह्मा बाबा को। हाँ हाँ यू आर माई वाइफ, इंग्लिश में बोला है बाबा ने। वन्नी वन्नी युगल, माता पिता मत होंगे, तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों को, माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर रखते हो, क्योंकि बहने थी। यह ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी ने बड़ी नदी है, तुम्हें वो माता च पिता इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं हम चलते 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 फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। आज का होमवर्क है पूरे दिन ये नशे में कि संतान शिववंशी, तो चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में एक बहुत अच्छी बात बाबा हमेशा कहते हैं, आबू रोड के लिए याद आया, याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। वॉक करते हुए बहुत अच्छा याद हो सकता है। मेरा वॉक तो एक घंटा पूरा ज्ञान और योग, इसलिए अमृत वेले के बाद हम मतलब वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मिस करेंगे। अगर वॉक नहीं मिस करते लेकिन ये मिस कर, बहुत अच्छा याद हो सकता। जितना याद करेंगे उतनी चमक आती जाएंगे, कितना भी पैदल करो थकेंगे नहीं। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते, व
वो तो सब है भक्ति मार के धक्के, ये भी खेल है भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वाह वाह। बाप से ऐसा लव रखना है, पूरी गाड़ी कैसा, जो एक बाप से ही सदा चटके रहे। वैसे हो गई होगी सब काफी की स्थिति है ना, चटके रहे, उल्ली हाथ में ले लगता छोड़े नहीं, यह है चिटकना। याद में बैठे दिल करे बस करते रहे, यह चिटकना। अगर ये स्थिति है तो दिन रात बाप की ही महिमा करनी, खुशी खुशी में गदगद होना है, खुशी में गदगद होना है, दिन रात बाप की महिमा करनी। दूसरा है एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियां मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। बाप के समान मीठा बनना है, वरदान है। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर, अतींद्रिय सुख का अनुभव करने वाले, संपूर्ण और संपन्न भव, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। यदि अतींद्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है, बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भाव का वरदान प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सोचना देखना बोलना और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन, मेथड व्यर्थ सोचना देखना और करना। एक्चुअली पवित्रता हो तो फिर ये हायर लेवल का पुरुषार्थ कर सकता है। अच्छा स्लोगन है सदा एक के अंत में खोए रहना, खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना ही एकांतवासी बनना है। अब एक इशारे मर्यादा की लकीर तो ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जन्म से बाप दादा ने दे दी है। मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले बाप के आज्ञाकारी बच्चे माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। जब पहचानने में देरी करते व गलती करते तब माया से घबरा जाते हैं। जैसे यादगार में सीता कहानी सुनी ना, सीता ने धोखा क्यों खाया, क्योंकि पहचाना नहीं, माया के स्वरूप को न पहचानने के कारण धोखा खाया। अगर पहचान ले कि यह ब्राह्मण नहीं भिखारी नहीं ब्राह्मण है तो शोक वाटिका का इतना अनुभव नहीं होता। पहचान नहीं के कारण ही है ना। तो ये भी पहचान ना होता है, ये
पाया है। एक तो मर्यादा की लकीर तो पहचाना, नहीं तो लकीर के बाहर गए, नहीं तो नहीं जाते ना लकीर के बाहर। पहचान कौन सी होनी चाहिए? कोई बहुत मुझे स्नेह, बहुत मुझे बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत साधन मिल रहे हैं, बहुत कुछ, उस समय पहचानना है। उस मीठे रूप से आती ना माया, बहुत सक्सेस मिल रहा है और फिर हम लकीर के बाहर। स्लोगन आज का क्या करना है?